नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिसवाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी आजादी का महापर्व स्वतंत्रता दिवस मिशन न्यू इंडिया नरेंद्र मोदी विचार मंच कार्यालय बेहर में धूमधाम से मनाया गया। इस वर्ष 75वें स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के अवसर पर कार्यालय में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य भारत जोन के प्रभारी सूरज ब्रह्मे की प्रमुख उपस्थिति में और वरिष्ठ पदाधिकारियों की विशेष उपस्थिति में प्रदेश उपाध्यक्ष बलराम सोनी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रमुख रूप से एफएस कमलेश, वरिष्ठ पत्रकार चेतराम धानेश्वर, इतवारी श्रीवात्री, अमीन खान, तरुण वर्मा, गोविंद दास मांगरे, किशोर सिंह, महेश भिंजिया, मनोज नामदेव, त्रिलोक कटरे, श्रीमती शिवदेवी तिवारी, सुश्री रश्मि जेम्स, श्रीमती श्यामा पनरिया, निक्की ब्रह्मे और अन्य पदाधिकारी प्रमुख रूप से कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित रहे। मिशन न्यू इंडिया नरेंद्र मोदी विचार मंच से और राष्ट्र निर्माण सेना में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और मध्य भारत जोन का प्रभारी हूँ। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी मिशन न्यू इंडिया नरेंद्र मोदी विचार मंच कार्यालय बैगर में ध्वजारोहण किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष परमादरणीय बलराम सोनी जी हैं, जिनके मुख्य अतिथि में आज यहाँ झंडा फहराया जाएगा, ध्वजारोहण किया जाएगा। मैं समस्त देशवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन इस कार्यालय में झंडा वंदन किया जाता है और इस ध्वजारोहण में हम अपने पदाधिकारियों से ध्वजारोहण कराते हैं और प्रतिवर्ष कभी कोई अध्यक्ष करता है, उपाध्यक्ष के हस्ते ध्वजारोहण कराया जाता है। हमने एक 2 वर्ष पूर्व एक बैगा जनजाति समाज बैगा से हमने ध्वजारोहण कराया था, वो भी एक ऐतिहासिक पल था, उसकी प्रशंसा भी पूरे देश में की गई थी। हमने उनको एक दिन का नेता समारोह बैगा ऐसा हमने नाम दिया था और उनके हस्ते इस कार्यालय में ध्वजारोहण कराया गया था और आज हमारे आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष बलराम सोनी जी आज ध्वजारोहण करेंगे। 8:30 बजे का समय है, सभी कार्यकर्ता धीरे धीरे आते जा रहे हैं, मलाजखंड वाले अभी आने को हैं, वो जैसे ही जाते हैं तो 8:30 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।